जगदलपुर में महंगाई को लेकर शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को धक्का देकर और साइकिल में खाली गैस सिलेंडर रखकर विरोध जताया। इस दौरान महंगाई कम करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जगदलपुर में शिवसेना ने पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने व आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए नारे लगाए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मेन रोड में मोटरसाइकिल को धक्का देकर बढ़ती कीमतों पर विरोध जताया। उधर रसोई के दामों में वृद्धि को लेकर प्रदर्शनकारी साइकिल से गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे। शिवसेना जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है। कीमत में हो रहे इजाफे का असर यात्री वाहनों तथा मालवाहक गाड़ियों में दिखने लगा है। कोरोना की मार से अब तक लोग उबर भी नहीं पाए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल घरेलू गैस खाद्य पदार्थों पर बढ़ती महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल पर मात्र एक्साइज ड्यूटी ही लगभग 32.98 पैसे है, जबकि डीजल पर 31.83 रुपए प्रति लीटर लगती है, जो कि पेट्रोल डीजल के बेस प्राइस से भी ज्यादा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा लगाई जा रहे शुल्क को भी जोड़कर देखें तो जनता से पेट्रोल डीजल पर 200% के करीब शुल्क वसूला जा रहा है। इसी तरह LPG के मूल्य में भी माह में 3 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए शिवसेना जो है सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में, उसके बाद में जम्मू से लेकर आज कन्याकुमारी तक लगातार आम जनता जो त्राही मचा रही है उसको देखते हुए अपना विरोध दर्ज करा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा में शिवसेना के जो माननीय सांसद हैं कृपाल समानी जी, उन्होंने भी यह सवाल उठाया था लोकसभा अध्यक्ष के पास कि पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैसों को GST के दायरे में केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही, क्योंकि शिवसेना का ऐसा मानना है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाया जाता तो महज 33 रुपये 35 रुपये अधिकतम 40 रुपये के मूल्य तक में डीजल पेट्रोल और बाकी चीज़ें जो हैं वो आम जनता को उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो भी रेट कच्चे तेल का होगा या बाजार का होगा उस पर 18% GST लगना है, 9% राज्य का, 9% केंद्र सरकार का। इसको मिलाकर मात्र काफ़ी कम परसेंट, जो अभी 60% तक जो टैक्स लिया जा रहा है आम जनता से, वो घट के केवल 18% टैक्स देना पड़ेगा। और जो महंगाई की मार हो रही है, आज हम जगदलपुर शहर की जो बात कर रहे हैं, 92 रुपये लीटर हो चुकी है पेट्रोल की। एक आम आदमी के लिए, एक डेली बेसिस में काम करने वाले के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, जो डेली 1 लीटर पेट्रोल भरा के अपना दौरा करते हैं, फील्ड का काम करते हैं, जो सब्जी भाजी बेचने जाते हैं, फेरी लगाने जाते हैं, इनके लिए ये काफ़ी बड़ी कीमत है 100 रुपये का पेट्रोल, क्योंकि 100 रुपये पेट्रोल में महज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की गाड़ियाँ चल पा रही हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।